हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वाल्व सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों मैं बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बताऊंगा कि उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है। इससे दोस्तों आपको एक और आइडिया मिलेगा कि किसी भी वाल्व की अगर एडवांटेज पूछा जाए, डिसएडवांटेज पूछा जाए और लिमिटेशन पूछा जाए तो कैसे आप बताओगे। ये तो मैंने एक बेसिक बटरफ्लाई वाल्व के लिए ही बताया है। अगर आपको गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व या नीडल वाल्व या किसी और टाइप के जो भी वाल्व हैं उनकी अगर कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि इसका एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, लिमिटेशन बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो इसी के बेस पे। तो इसे बहुत ध्यान से आप देखिए दोस्तों और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बटरफ्लाई वाल्व की बात करें तो ये दोनों काम करती है, कंट्रोल भी करती है। कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए भी बटरफ्लाई वाल्व का यूज कर सकते हैं और आइसोलेशन यानी कि फुली ओपन या फुली क्लोज पे के लिए भी हम कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज है बेसिकली कहाँ हम यूज करते हैं दोस्तों, कि जितने भी हम पानी की लाइन है, चाहे वो पॉलिश वाटर की लाइन हो, डीएम वाटर की लाइन हो, कूलिंग वाटर की लाइन हो, चिल्ड वाटर की लाइन हो, चिल्ड ब्राइन की लाइन हो या ईटीपी वाटर की लाइन हो, इसके अलावा जहाँ पे भी हमारा वैक्यूम सिस्टम है, वैक्यूम सिस्टम में भी हम बटरफ्लाई का वाल्व यूज करते हैं। और जहाँ पे हमारा जो फ्लेमेबल गैस है जैसे एसिटिलीन की लाइन हुई या जो अदर जो फ्लेमेबल अदर जो गैसेस हैं उनके लिए हम जो बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इसका जो है वेट जो है लाइट है, लाइट वेट। क्योंकि अगर आप गेट वाल या ग्लोब वाल की बात करो तो वो उनकी एमओसी जो है एसएस की होती है और वो इसके अपेक्षा बहुत भारी होते हैं। तो ये इसका एक तो सबसे बड़ा इजी जो एडवांटेज है वो है लाइट वेट। उसके बाद इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी इसका कम ही होगा। कि क्यों दोस्तों कॉस्ट कम होगा, क्योंकि जैसे हम गेट वाल और ग्लोब वाल की बात करें तो उसमें ग्लैंड, जिसे हम ग्लैंडलेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लैंड नहीं होती है, तो उसमें ग्लैंड भी भरी होती है और उसकी पूरी एमओसी जो है एसएस की होती है, स्टेनलेस स्टील की एमओसी होती है या और एमओसी, तो उसके अपेक्षा उसकी कॉस्ट भी अधिक होती है उनकी गेट या ग्लोब की, लेकिन बटरफ्लाई की उतनी कॉस्ट अधिक नहीं होती उनके अपेक्षा अगर देखें तो। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसके बहुत कम है इनके अपेक्षा, क्योंकि मेंटेनेंस अगर हम देखें तो बटरफ्लाई वाल्व का जो मेंटेनेंस है वो फील्ड में ही हो जाता है, वहीं लाइन जो लाइन में है वहीं से तुरंत रिमूव करेंगे और तुरंत फिट करके, क्योंकि उसमें सीट है, सीट को ही रिप्लेस करना है जो इजीली अवेलेबल है, या इलास्टोमर जो है इलास्टोमर को भी वो डायरेक्ट चेंज करके वहीं की वहीं फिट करके प्लांट में ही जो मेंटेनेंस वर्क है वो वहीं पे कर देंगे। जबकि अगर आप गेट वाल और ग्लोब वाल की अगर मेंटेनेंस देखो तो उसे सबसे पहले रिमूव करो, फिर ले जाओ जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे ले जाओ और वहाँ पे उसे खोलो, बंद खोलो और फिर उसकी रिपेयरिंग करो, फिर लाके तब लाइन में लगाओ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फील्ड में ही इसकी जो है मेंटेनेंस हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें कि फ्लोट कैन नॉट बी ट्रैप्ड। इसमें बटरफ्लाई में एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि बटरफ्लाई वॉल पे हमारा जो फ्लूड है कोई भी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे एयर हो या कुछ भी हो, सस्पेंडेड सॉलिड हो, तो वो उस पर ट्रैप नहीं करता, चिपकता नहीं। जैसे ग्लोब वॉल और गेट वॉल में क्या है कि फ्लूड जो है उनमें ट्रैप कर जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा हजार्ड्स भी उनकी वजह से हो जाता है, तो इसमें फ्लूड जो है ट्रैप नहीं होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रेशर ड्रॉप वेरी लो बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब कि जैसे ये लाइन है, लाइन में हमारा ये बटरफ्लाई वाल्व लगा है, तो अगर आप फ्लो चाहे इधर से इधर करो या इधर से इधर करो, बोथ डायरेक्शन में हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा। ग्लोब में सबसे ज़्यादा होगा, गेट में थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होगा। लॉन्ग सर्विस लाइफ ड्यू टू नो मूविंग पार्ट, इसका जो जो सर्विस लाइफ है ये बहुत ही अच्छा है और उसका वजह ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, एक स्प्रिंग लोडेड है, तुरंत मूव करो
फुली ओपन करो या फुली क्लोज करो। तो मूविंग पार्ट ना होने की वजह से इसकी जो सर्विस लाइफ है अच्छी है। परफेक्ट सीलिंग बोथ डायरेक्शन, इसमें दोस्तों बहुत परफेक्ट सीलिंग होती है, मतलब कि अप स्ट्रीम, अगर ये कंट्रोल वाल का अगर डायरेक्शन इधर है तो ये अप स्ट्रीम कहलाएगा, और इधर कंट्रोल वाल के उस साइड में हमारा डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि अप स्ट्रीम में भी बहुत परफेक्ट सीलिंग होती है, और जो डाउन स्ट्रीम से भी जो बैक ना आए या इधर से भी अगर पूरा बंद कर दो तो दोनों दोनों तरह से हमारी जो परफेक्ट सीलिंग होगी। और नेक्स्ट है हमारा इजी ऑपरेशन। इसकी ऑपरेशन दोस्तों बहुत ही इजी है। जैसे आप गेट वाल को खोलो या ग्लोब वाल को खोलो तो उसमें व्हील है, व्हील लगा के एफ की फंसाओ, व्हील की फंसाओ, उसके बाद उसकी ऑपरेशन करो, तब जाके वो खोलेंगे। लगभग आपका 5 मिनट, 3 मिनट, या अगर अगर वो ऑपरेशन में पहले से नहीं होगा, और बहुत जैसे कुछ वॉल ऐसे होते हैं जो साल भर के बाद ही ऑपरेशन में आते हैं, तो अगर उस वॉल की राउजिंग नहीं हुई हो तो वो खुलेंगे भी नहीं। लेकिन बटरफ्लाई में ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत इजी खुल जाएंगे, इजी बंद हो जाएंगे। जबकि गेट और ग्लोब वाल हैं उसमें 5 मिनट तक आप व्हील के घुमाते रहो या एफ के घुमाते रहो तब जाके वो खुलेंगे। तो ऑपरेशन की बात करें तो वो भी इसमें इजी ऑपरेशन है। और नेक्स्ट हम बताएं दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है जो ऑपरेशन का जो टार्क है, टार्क वो बहुत कम है, लो ऑपरेशन टार्क। दोस्तों टॉर्क हमने बताया था कि टॉर्क वो फोर्स है जिससे किसी भी चीज को घुमाया जाता है। तो इस बटरफ्लाई वाल्व को घुमाने के लिए यानी कि खोलने या बंद करने के लिए बहुत कम टार्क लगता है। जबकि अगर ग्लोब वाल और गेट वाल की बात करें तो उसमें बहुत फोर्स लगता है, एफके को पूरा पूरे फोर्स से आपको पूरा खोलना या बंद करना पड़ता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन इसमें इजीली आपका काम हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों तो लिमिटेड थ्रोटल रेंज, इसमें जो थ्रोटलिंग होती है, जैसे कोई कहे कि 50% इसको खोल दो या 30% खोल दो या 20% खोल दो या 5% खोल दो, तो उस समय दोस्तों वो लिमिटेड इसके थ्रोटल रेंज है, पूरी एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलेगी आपको। जैसे कोई कहा 30% खोल दो तो आपको पता ही नहीं होगा कि 30% बटरफ्लाई वाल्व को कहाँ तक खोलना है। तो इसके थ्रोटल रेंज भी बहुत लिमिटेड है, और नॉट यूज फॉर विस्कस लिक्विड या स्लरी, स्लरी में या विस्कस लिक्विड में इसका यूज नहीं कर सकते, और टॉक्सिक केमिकल्स जहाँ भी होंगे वहाँ भी इनका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद हमारा लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन में दोस्तों बस एक ही है कि हम हाई टेम्परेचर के लिए बटरफ्लाई वाल्व का यूज नहीं कर सकते। इसका जो ऑप्टिमम रेंज है टेम्परेचर का वो 150 डिग्री है, यानी कि 150 डिग्री तक अगर आप चला रहे हो बटरफ्लाई वाल्व को, यूज मिला रहे हो, तो उतना नहीं होगा। लेकिन उससे अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो उसमें दोस्तों इलेस्टोमर होता है, रबर की एक सीट होती है, तो जो हाई टेम्परेचर पे उसकी एजिंग भी हो जाती है, सिकुड़ जाती है और डेटोरेट हो जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है। तो इसका लिमिटेशन बस वही है दोस्तों। ये तो बस बटरफ्लाई का एक छोटा सा व्यू, मैं सभी वाल्वों की तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक वाल्व के माध्यम से आप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और लिमिटेशन बता सकते हो। अगर कोई गेट वाल की पूछे, ग्लोब वाल की पूछे, तो आप ऐसे ही ऐसे मेंशन करके बता सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।